हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो गाइस, आज हम एक धमाकेदार कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। तो गर्मियों के मौसम में आप सब लोगों ने अपने पेरेंट्स से ये बात सुनी होगी, जब आप लोग बॉटल में पानी भरकर फ्रिज में रखने जाते हो तो आपने सुना होगा कि बॉटल को पूरा टिप तक मत भर, थोड़ा सा गैप रहने दो, है ना? सुना है ना? तो ये क्यों बोला जाता है और इसके पीछे लगने वाली केमिस्ट्री को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो गाइस, जो हमारा पानी होता है, पानी का फार्मूला होता है H2O, है ना? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। जब हम बर्फ बनाते हैं तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर आप देखोगे एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह अरेंज होते हैं कि एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और इस स्ट्रक्चर के बनने में जो बॉन्डिंग हेल्प करती है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसमें बहुत से इंटरमॉलिक्युलर स्पेस बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आपको इसलिए बोला जाता है कि पानी को थोड़ा ले ऊपर वाले टिप लेवल से थोड़ा नीचे रखो, जिससे जब पानी बर्फ बने और उसका लेवल इंक्रीज हो तो बॉटल में कोई प्रेशर जनरेट ना हो। वरना अगर आप पूरा टिप तक भर देते हो पानी और जब वो बर्फ बनेगी तो बॉटल के अंदर प्रेशर जनरेट होने की वजह से बॉटल फट सकती है। तो थी ना मज़ेदार बात? तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो टेक केयर। बाय 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 बाय।